हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि तुक्का कैसे लगाना है, जिसे आप कह सकते हो ट्रिक्स और हैक्स। टीचर इसके बारे में कम बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। अब तुक्के लगाने के लिए ना हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, ठीक है? अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमें ध्यान से तुक्का लगाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो फिर हम लगाएंगे तुक्के बढ़िया। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, अब मैं उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे आपने तुक्का लगाए। अब नेगेटिव मार्किंग, जैसे फोर ऑप्शंस हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग है 1/4, तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, तब हम तुक्का लगाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तब हम तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो ज़्यादा आएगा। फाइन। अब अगर समझ लो 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/5, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो हम तुक्का लगाएंगे। अगर 5 ऑप्शंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है 1/2 की, तब तो हम तुक्का नहीं लगाएंगे। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इनके लिए फिर भैया क्या करेंगे दोस्त, इनके लिए भी तो कुछ बताओ। हाँ, जरूर, मैं क्यों इस यहाँ पे आया हूँ। अब इनके लिए ना फिर मैं वीडियो के आखिरी तक बने रहोगे, आपको इनका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है? मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे ABCD में से जब कुछ नहीं समझ आ रहा, दिमाग से कोई दिमाग लग ही नहीं रहा, तब क्या टिकेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो सब के लिए होने वाली है। मतलब चाहे आप बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, +1 +2, नो मैटर्स, ठीक है? मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं सबके लिए ये वीडियो बना सकूं, ठीक है, सबको कवर किया। अब आपको मैंने अब थोड़ा सा ये सीन क्लियर करवा दिया नेगेटिव मार्किंग का। अब जब पॉजिटिव मार्किंग हो, तब तो हमने धड़ाधड़ तुक्के लगाने, अगर नहीं आता हमें तो फिर क्या करें। तब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को देख लो। अब हम यही करते हैं, जब समझ लो 50 क्वेश्चन हैं, आपने देख लिए, उसमें से आपको पता लगा मुझे 20 तो आते ही नहीं, जो आते हैं इजी है वो 30 कर दो, ठीक है, आखिरी में छोड़ दो उन्हें। आखिरी जब 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, तब क्या करो, क्योंकि ये एक तो हमारा एक्टिव माइंड होता है, ठीक है, होता है सब क्वेश्चन माइंड। जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, वो चाहे आप अब तो अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो भी आपने पिछले पढ़ा था, वो आपके सब क्वेश्चन माइंड में चल रहा होता है, उसका सोल्यूशन बन रहा होता है, ठीक है? तो अपने आप कुछ ना कुछ खेल होगा, कुछ ना कुछ आपका दिमाग लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन ठीक लग रही है, मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है? जो भी आपको डिफिकल्ट लगे उसको क्या करो, लास्ट तक छोड़ दो, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसे माइंड है, उसे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, करने को, फिर लास्ट में जाके करो। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर अगर लास्ट में भी ना आए, फिर उसके बारे में अब ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है? अब जो आपकी प्रायर नॉलेज है, ठीक है, जो आप पहले पढ़ी होगी, आपको कुछ लग रहा होगा अभी ABCD अगर ऑप्शंस हैं, ये डी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो रह गई ABC। सबसे पहली हमारी ट्रिक यहाँ से शुरू होती है, एलिमिनेट द ओड वन, जो आपको ओड लगता है ना उसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है? जैसे कोई ऑप्शन है 1, 4, 6 और 1/25, ये हमें लग रहा है 25 तो बिल्कुल ओड जा रहा है, तो इसे क्या करो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि टीचर ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए नियर बाय रखता है। अब जो अगले रह जाएंगे, ठीक है, ओड को छोड़कर जो समझ लो 2-3 ऑप्शन रह गए, उसमें से देखो कि अब कौन सा लग रहा है, ठीक है? अब जो आपकी सेटिस्फेक्शन माइंड को ठीक लगे ना, उसे टिक लगा देना, ठीक है? अब इसमें भी जो तुक्का लगाना होता है ना, दिमाग से लगाना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो सीक्वेंस बना देते हैं, ओ ए आर, मतलब BCD, ऐसे ऐसे बिल्कुल मत करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी, ये ऐसे कभी काम नहीं करता, ठीक है? क्योंकि नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, तो वो किसी को वो बायस बायस नहीं करते, ठीक है, सब ऑप्शंस को वो इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करना, और तुक्के भी दिमाग से लगाना, ठीक है? अब अगली स्ट्रेटेजी, अगला ट्रिक क्या कर सकते हो आप, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है, तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये हो सके, ठीक है, 28 से 30% चांसेस हैं कि ये ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज का ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है?
और इसे फिल करते वक्त ना अपनी अगर आपका OMR शीट पे हो रहा है तो बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे, इवन मैं भी एक टाइम पे मैंने बहुत ये गलती की थी। जैसे क्वेश्चन फिफ्थ है उसका मुझे आता है, सी ऑप्शन मुझे पता लग गया, ठीक है। फिर मैंने क्या गलती की, मैंने सिक्स के सी पे लगा दी। सबसे बड़ी ब्लंडर, ये बहुत बच्चे करते हैं। OMR शीट पे कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है या कई बार हम हाइपर होते हैं तो ये हो जाता है, फ्रीक्वेंटली होता है। तो आपने पूरे ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर फाइव, अगर आपको लगा ये चलो बी है या सी है, कोई भी आपको लगी, फिफ्थ पे उसके आंसर पे ही लगाना है OMR शीट पर, ठीक है। और OMR शीट पे ना फ्लूइड का यूज करना, ठीक है ना। पता है क्या करते हैं बच्चे, ए बी सी डी, ठीक है। अब समझ लो ऑप्शन है बी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, पर आपको पहले लगा था सी है, पहले आपको लगा सी है, आपने भर दिया, पर फिर आपको लगा, मतलब आपने सोचा कि ये तो बी ऑप्शन होना चाहिए था, या आपने किसी से पूछ लिया, ठीक है, तो फिर आपने ये भर दिया। इसे ऐसे कांटा, पता क्या ऐसे कांटा लगाते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपसे ये मिस्टेक होगी तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, एक मार्क्स कटवा लो अपने। पर ऐसे मत करना कि यहाँ पे फ्लूड लगा देना, यहाँ पे इसे कांटा लगा देना, या कुछ ऊपर नीचे, बिल्कुल बहुत गलत मिस्टेक होती है, ठीक है। बहुत डांट पड़ी है मेरी इस बातों में, तभी मैं आपको बता रहा। इसका सोल्यूशन भी एक है, ठीक है, अगर टीचर्स हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मैंने बच्चों को बताना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, पहले अपना जो वो आंसर शीट होगा, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन में देख लेना, ठीक है। उसमें दो ऑप्शंस होती हैं कई बार, एक तो बॉल पेन की, दूसरी कई बार HB पेंसिल की भी होती है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, कई कई OMR शीट पे ही लिखा होता है इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में, अगर आपको HB पेंसिल लिखा हुआ है तो आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो। अगर आपको बाद में आंसर पता लग रहा है कहीं और से, या आपका दिमाग चल रहा है, तो फिर आप इरेज करके फिर ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है, बोनस पॉइंट, पर ये ध्यान रखना, ये तभी लागू होगा अगर आपकी इंस्ट्रक्शन शीट पर HB पेंसिल का ऑप्शन है, नहीं तो बॉल पेंसिल OMR शीट पर लगेगी, ठीक है। आई होप ये भी आपको होगा क्लियर। अब सबसे ढासू, सबसे बढ़िया, अब अगर कुछ भी नहीं आ रहा, हमें पता भी नहीं लग रहा कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है, हमें कुछ नहीं पता, और हमें लग रहा है कि चारों में से कोई भी ठीक हो सकती है, तब आप क्या अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो विद ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ठीक है। अमेरिका में सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था अगर किसी का अगर आपको नहीं आ रहा तो मैक्सिमम चांस हो सकता है कि उसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपके पास ट्रू या फॉल्स है, ठीक है, तो आप ट्रू को टिक कर सकते हो, इसके भी मैक्सिमम चांस है, ठीक है, ट्रू के ठीक होने। अब वैसे ट्रू फॉल्स ये बच्चों मतलब 8th 9th को आते हैं, ठीक है, मंडे टेस्ट हो गए, वैसे 8th 9th 10th में भी खास नहीं होता। अब अगर आ जाए पांच ऑप्शन, एक और आ गई ई, ठीक है, फाइव ऑप्शंस आ गए, फिर मैक्सिमम चांस है ई के, फिर मैक्सिमम चांस है ई के, फिर आप ई को टिक लगा सकते हो। अगर चार आ गई फिर बी को टिक लगा सकते हो, मैक्सिमम चांस है, अगर पांच आ गई तो ई को टिक लगा सकते हो, फाइन। अब जो ये मैं अगर तुक्का अगर आपको कह रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे तुक्का लगाना कोई बढ़िया बात नहीं होती, तुक्का तभी लगाना जब जान पे आई हो, तब तो मुझे कोई हल ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। आपको लग रहा है मैं क्या करूँ, क्योंकि पॉजिटिव मार्किंग है, ठीक है, अगर मैं नहीं तुक्का लगाऊंगा फिर भी एक नंबर जाएगा, अगर मैं लगाऊंगा क्या पता, ठीक है, ठीक हो जाए, तो तुक्का लगाना बढ़िया बात तो नहीं है। पर जब अब जान को आई हुई है, कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तब हम क्या करें, ठीक है। मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ना, और एक सोसाइटी की ये भी है, एक स्टूडेंट को सोसाइटी ज़्यादा जज करती है बाय हिज और हर मार्क्स, ठीक है। अगर बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, भैया ये तो बहुत पढ़ता है, टॉपर है ये तो क्लास का, ठीक है। अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, ऑन अलग ऐसे बहुत, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर आप जितनी मर्जी बढ़िया हो जाओ, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी बढ़िया मर्जी हो जाए, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बढ़िया हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आती हूँ, ठीक है, आपको और कोई स्किल हो, वो कुछ नहीं मैटर करती, अगर आपके मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं पेपर में तो सोसाइटी आपको तभी जज करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जज करती है। तो हमें पता है कि अब मार्क्स लेने के लिए हमें तुक्का लगाना पड़ेगा, क्या करें, तो फिर आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। और एक और बात, इसकी अगर समराइज भी मैं बताऊं तो पांच मैंने बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट द ऑड वन, ठीक है, एलिमिनेट कर दो जो आपको बिल्कुल ही ऑड लग रहा है,
ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, अगर ऑल ऑफ दीज आए या नन ऑफ दीज आए ऑप्शन में तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मैक्सिमम चांस आ सकते हैं। अगर आ जाए हमारा चार ऑप्शंस आ जाए, ठीक है, तो बी पे जा सकते हैं, अगर आ जाए पांच ऑप्शन तो ई पे जा सकते हैं, और ठीक है एक और बताई थी मैंने अपने मन की करना, मतलब ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी ये कोई नहीं चलता, ठीक है, कई बच्चे वो कॉलम सी सीरीज बना देते हैं ऐसे, ये नहीं चलता, नेशनल लेवल के हो जाए एग्जाम, चाहे आपके बोर्ड्स हों चाहे क्लास हों, कोई भी टीचर ये नहीं करता, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो बाय यूजिंग योर माइंड, ठीक है, माइंड का भी बहुत रोल होता है, तुक्का ऐसे ही नहीं लग जाता, ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही, आई होप आपको समझ आ गया हो, अगर तुक्का लगाना है भी है तो कैसे लगाएं, ठीक है, अब चलते हैं फिर, अगर आपकी असर्शन रीजन आ रही है केस बेस्ड आ रही है उसकी भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, एक वीडियो लेके आने की, ठीक है, आपको उसका भी बताऊं कैसे आपने तुक्का लगाना है। चलो एक असर्शन रीजन की मैं बता देता हूँ, अगर आपके असर्शन रीजन आ रहे हैं पेपर में तो उसके लिए क्या ट्रिक है, असर्शन रीजन में ये ट्रिक है कि पहले आप असर्शन पढ़ो, असर्शन पढ़ लिया आपने, फिर जब रीजन पढ़ो ना उसके आगे लगा दो क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, उसके लिए अगर आप वो मैच कर रहा है तो आप जा सकते हो फिर ऑप्शन के लिए, ए ऑप्शन होती है मैक्सिमम ऑफ टाइम कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हो, अगर बिकॉज लगा के क्योंकि लगाकर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, उसकी मैं ट्राई करूंगा कि असर्शन रीजन और केस बेस की मैं ट्रिक्स बताऊं हैक्स बताऊं, तब तक के लिए सी यू गाइस, ऐसे पढ़ते रहो जितना हो सके, दुनिया को मतलब अपने लिए पढ़ो, मैं नहीं आता दुनिया के लिए पर फोड़ना है, ठीक है, आई होप आप फीलिंग समझ आ रही होगी, तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ गुड डे।